शेयर भी मौसम में कुछ आमदे। दुबई के बड़े होटल के मीटिंग रूम में रात गए एक अहम तरीन बैठक हुई और ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे जारी रही और इस मुलाकात का पस मंजर जो है वो इस्लामाबाद में होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो राय है उसको बुलडोज करते हुए हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरमीम को रोल बैक करने पर मजबूर कर दिया और यही वो नुकता था जिसने दुबई में होने वाली इस मीटिंग की बुनियाद रखी जो हंगामी तौर पर तलब की गई नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। ये मीटिंग 3 घंटे तक जारी रही दुबई के एक अहम तरीन होटल के एक खुफिया किस्म के साउंड प्रूफ जो है मीटिंग रूम के अंदर, और इस मीटिंग रूम के अंदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के साथ मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है और वो जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है पाकिस्तान के निगरान सेटअप को मज़ीद इख्तियारात देने की, उन इख्तियारात के ऊपर बात करने आए थे, क्योंकि ये मामला अब ज़रा थोड़ी सी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या जो दोनों के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके अंदर भी खिंचाव पैदा होना शुरू हो गया है और उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी को की ख्वाहिश के मुताबिक वो गुंजाइश ना देना है जो पीपल्स पार्टी मांग रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को ये बात बड़े वाज़े अंदाज में बताने की कोशिश की थी कि जनाब हमारा इस जोड़ तोड़ के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने बाकी सियासी क़यादतें जाने, जो जिसके साथ मिलना चाहे मिल जाए, हमें इसके अंदर कोई इतराज़ नहीं, हमारा इस वक्त प्राइम कंसर्न पाकिस्तान की मईशत का है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का ये मानना है कि नहीं जनाब सूरत हाल इस तरह की नहीं, और इन साइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मेरा कल रात का वीलॉग जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि उस वीलॉग के अंदर मैंने कुछ इशारे आपको दिए थे फ्यूचर के सेटअप के हवाले से, जहां पर मैंने आपको पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस के हवाले से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था कि पीपल्स पार्टी को कब कब कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उसके तहफ़ुज़ात हैं वो डेवलप हुए। अब एक जानब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो इस हुक्मरान इत्तेहाद में इस्टेब्लिशमेंट के बाद सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत वो होती है, कहते हैं ना नवाज शरीफ साहब इस तरफ हों या उस तरफ हों, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। इस्टेब्लिशमेंट अगर आके पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हो जाती है तब भी नवाज शरीफ साहब के लिए विन विन सिचुएशन है, इस्टेब्लिशमेंट अगर PTI के सामने खड़ी होती है तब भी नवाज शरीफ साहब के लिए विन विन सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल से अपने लिए मजीद गुंजाइश हासिल करने की पोजीशन में है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास शायद ये वाले हालात नहीं है, और ये वजह है कि निगरान सेटअप के अंदर कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से शामिल होगा और निगरान सेटअप का रोल क्या होगा, निगरान सेटअप किस तरीके से पॉलिसी साजी कर सकेगा, किस तरीके से फैसले साजी कर सकेगा, निगरान हुकूमत का जो क़याम है वो कब होगा, असम्बलियाँ किस वक्त तक तहलील होंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इससे बढ़कर ये कि इस वक्त एक सीरियस अटेम्प्ट की जा रही है कि निगरान सेटअप को मज़ीद 6 माह की तौसी दे दी जाए, और कल होने वाली मीटिंग में भी इस एक नुक्ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये जो मुलाकात थी जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया है, जो कल रात को 3 घंटे तक दुबई के एक 7-स्टार होटल के मीटिंग रूम में जारी रही, वहाँ पर इस मीटिंग को की ख्वाहिश बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई थी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया गया था और उनसे कहा गया था कि मुझे मिलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और फिर इस मुलाकात के लिए न्यूट्रल प्लेस का जो है वो एहतमाम किया गया, वहाँ पर उस मीटिंग रूम के अंदर जो है वो मुलाकात की गई। आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। अच्छा, इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये जो कानून साजी की गई है निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने के लिए, इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 230 और उसका सब सेक्शन A और B, इसके अंदर जो तरामीम की गई हैं, जो मुस्लिम लीग नून है उसने पीपल्स पार्टी को अपने मौकफ से आगाह किया और उनका ये कहना था कि जनाब हमारी कुछ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं, और नवाज शरीफ साहब ने बताया कि मेरी खुद पर्सनल लेवल के ऊपर UAE की गवर्नमेंट, कतर की गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के साथ पर्सनल लेवल के ऊपर मुलाकातें भी हुई हैं, वहाँ पर मैंने कुछ अंडरटेकिंग्स भी दी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और कुछ चीज़ों को हमने आने वाले महीनों के अंदर मटीरियलाइज करना है, लिहाजा और इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो गुफ्तगू बैक चैनल पर हो रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी लूप में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी ये जो मौशी सरगर्मियाँ हैं इसको बहुत सख्ती के साथ ना सिर्फ मोनिटर कर रहे हैं
बल्कि वो ये चाहते हैं कि कोई एक टाइम भी ऐसा ना आए जहां पर इस प्रोसेस के अंदर किसी जगह पर रखना आए। और वो ये समझते हैं यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कि निगरान हुकूमत को इस हद तक एम्पावर होना चाहिए कि उसको डे टू डे अफेयर्स से आगे बढ़कर भी पॉलिसी नौयत के डिसीजंस लेने चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के इस बात पर इत्तफाक किया कि आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि जनाब इस तरीके के जो इख्तियारात हैं वो किसी भी निगरान सेटअप को नहीं दिए जा सकते। डे टू डे अफेयर्स तक की बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जनाब निगरान सेटअप जो है वो जाकर सऊदी अरब के साथ 10 साल का मुआहदा कर दे कि जनाब ये जो रिकॉर्डिक है ये मैंने आपको दिया, या पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो हमने यूएई को दिया, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि निगरान सेटअप में इस तरह के पॉलिसी साजी की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर हम पॉलिसी साजी का इख्तियार निगरान गवर्नमेंट को दे देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप नवंबर के अंदर इंतखाबात करा के घर चला जाएगा। ऐसे इख्तियारात मिलने के बाद किसका दिल करता है घर जाने को। और आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को इस बारे में आगाह भी किया कि उनके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मौजूद हैं जहाँ पर यह राय पाई जाती है कि ये जो सेटअप है केयरटेकर सेटअप, इसको सीरियस लेवल के ऊपर आगे बढ़ाने की जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर है ताकि पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ ना करने पड़े। और इसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा बंधन, उनका ये कहना है कि आपने और हमने पॉलिटिकल कीमत अदा की है बहुत सारे फैसलों की, और अगर इस बात पर कायम रहते हैं तो फिर हमें इसकी मज़ीद पॉलिटिकल जो कीमत है वो अदा करना पड़ेगी। और इस पर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जो है इत्तफाक किया। उनका ये कहना था कि ना मेरी भी ये ख्वाहिश है कि नवंबर से आगे ये सिचुएशन ना जाए और जो पहले ही है इससे वो इंतखाबात हो जाएं और इसमें किसी तरह की कोई पहलू तही नहीं होनी चाहिए, लेकिन इख्तियारात निगरान गवर्नमेंट को मिलने चाहिए। अब ये जो निगरान गवर्नमेंट तो बाद में चली गई बात, अब निगरान गवर्नमेंट के इख्तियारात के ऊपर आकर जो है इस वक्त सींग फंस गए हैं। और एक खबर तो ये है कि इस मामले पर इख्तलाफात नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में मौजूद हैं, और ये जो ये बात भी कही गई है कि जनाब ये जो निगरान सेटअप है इसकी गैर जानबदारियत को मलहूज़ खातर रखना चाहिए। और ये बात भी की गई है कि जनाब इसहाक डार साहब तो किसी भी सूरत, चाहे वो वज़ीर आज़म हों चाहे वो वज़ीर ख़जाना हों, किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है, ये बात भी कही गई है। लेकिन कुछ वाकफान हाल का ये कहना भी है कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है इसमें दोनों लीडर्स यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों का गठजोड़ जो है वो पहले भी जारी था, अब भी जारी है, दोनों सेम पेज पर मौजूद भी हैं और बज़ाहर इस बात का तासुर दे रहे हैं कि जनाब असी एक दूसरे तो वक़ हैं, लेकिन हकीकी मानों में वो जो है ना अगेन समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये इसी तरीके से ये जारी है ये उनका खेल। और बुनियादी तौर पर वो मिलकर ही, या कभी एक आगे आ जाता है कभी दूसरा आगे आ जाता है, तो फिर वो इस चक्कर के अंदर अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करें। सवाल यह है कि वो गुंजाइश क्या है। अब वो गुंजाइश तो यकीनी तौर पर यही हो सकती है कि उनको अपने पॉलिटिकल फैसले करने का इख्तियार दिया जाए और एस्टैब्लिशमेंट अपने काम से काम रखे, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक जानिब मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ फुल टाइम मत्था लगा के रखे, उनको फुल जो है वो स्क्रू करे और इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और इंतखाबी मैदान को इमरान खान साहब और उनकी जमात से पाक किया जाए, और इसके लिए वो तमाम तर जो इसका जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आप पर डाल रहे हैं। ख़ुद इमरान खान साहब पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करे, इमरान खान साहब को पकड़कर जेल में डालने की हिम्मत अभी तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं दिखाने में कामयाब, ये बात भी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल किसी टी वी चैनल पर मैंने देखा गुफ्तगू करते हुए, उनका ये कहना था कि जब हम नहीं इमरान खान को जेल में डालना चाहते, वो अदालतें अगर उनको जेल में डालेंगी तो ठीक है, यानी ये वजन खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठाने के लिए तैयार नहीं है। और मुतबर ज़राए का ये बात जो है वो उनका ये मानना है, और ख़ास तौर पर ऐसे ज़राए हैं जो कल होने वाले मुज़ाकरात में मौजूद भी थे, उससे वाबस्ता भी रह चुके हैं। और वाकफाने हाल का ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसकी जो तफसील है वो अभी तक बहुत सारे जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो मौजूद लीडरशिप है उसके साथ इनिशियली शेयर हो चुकी है, और उनका ये कहना है कि जो बहुत ही ज़्यादा
पॉलिसी के हवाले से मैटर्स हैं कि गेंद किस मुकाम पर जाकर नवाज शरीफ को दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब किस मुकाम पर जाकर गेंद आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, सेंटर फॉरवर्ड डी में कौन आएगा, मुस्लिम लीग नून का बंदा होगा, शबाज शरीफ साहब होंगे, बिलावल साहब होंगे, वो वहाँ से बॉल को किस तरीके से कनेक्ट करके गोल में भेजेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अभी तक तय नहीं हुई। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि ये जो गठजोड़ है ये खासी हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर ये जो इलेक्शंस हैं ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस निशान को अभी तक हम दूर नहीं कर पाए। इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर जो राय है वो अभी तक मुनकसिम है। किसी लम्हे पर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वाकईतन इंतखाबात को भी 6 महीने के लिए मौखर कर देना चाहिए। राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं। कल परसों दुनिया न्यूज़ के अंदर मैंने एक डबल कॉलम अखबार में खबर देखी थी जिसके में राजा रियाज साहब ने कहा था कि इलेक्शन अगर 10 साल भी ना हों तो बेशक ना कराए जाएँ, पाकिस्तान की मीशत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक मकतबा फ़िक्र ये है, यानी जो राजा रियाज साहब हैं वो इस वक्त ना 3 में है ना 13 में, मतलब ये है कि इस वक्त वो ना नून लीग में है ना पीटीआई में है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। वो उस पार्टी में होंगे जहां पर उनको इस बात का यकीन दिलाया जाएगा कि जनाब ताड़ी सीट पक्की है, आपने आना ही आना नेशनल असम्बली में, वो उस पार्टी के साथ चले जाएंगे। मौजूदा हालात में जो सियासी जो तफरीक है वो ज़्यादा गहरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि किसी के पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगले इंतखाबात में आती हुई नज़र नहीं आ रही और ये मिली जुली सरकार ही बनेगी, एक मखलूत गवर्नमेंट ही बनेगी और मखलूत गवर्नमेंट को पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं और इक्तदार में आने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेंगे। अलबत्त ये बात ज़रूर है, ये बात तय भी की गई है और शहबाज शरीफ साहब को कन्वे भी कर दिया गया है कि जनाब इस मामले को अब हतमी शक्ल दी जाए, इस मामले को निपटाया जाए और ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़ाइनल राबता किया जाए और उनसे ये बात पूछी जाए कि जनाब किस हद तक ये जो आइन में ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है इससे आप मुतमईन हैं और इसमें किस हद तक आपको इजाफा चाहिए, ताकि वो जो नकात सामने आ जाएँ उसके ऊपर बैठकर कोई फर्दर डिलिब्रेशंस की जाएँ, कोई बातचीत की जा सके और इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अदरवाइज ये जो हालात हैं ये ज़रा थोड़े से पेचीदगी का शिकार रहेंगे और शायद मौजूदा सिस्टम इस तरह की किसी गुंजाइश को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अलबत्ता ये बात आप इस वक्त तक खासी हद तक मुसद्दका भी है और तय भी है कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात डेवलप हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली इस मुलाकात में इन इख्तलाफात को ब्रिज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, जिनका जिक्र मैं गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर कर चुका हूँ। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।